बीच सड़क पर अचानक गड्ढा आने से बाइक का संतुलन बिगड़ा, बाइक पर बैठी महिला के सिर में आए टांके, मेडिकल कॉलेज रेफर। खबर शिवपुरी के जिला अस्पताल से है। बताना होगा कि जिला अस्पताल में एक 55 वर्षीय महिला को भर्ती कराया गया है। बता दें कि महिला अपने बेटे और पोती के साथ गमी में जा रही थी, तभी अचानक पोहरी रोड पर रेल की पटरी से पहले बीच सड़क पर एक बड़ा गड्ढा आ गया, जो कि बाइक सवार को नहीं दिखा, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और महिला नीचे गिर गई। जानकारी के अनुसार रानी जाटव पति गोविंद जाटव निवासी करौंदी, उम्र 55 साल, अपने बेटे नीरज जाटव और 7 वर्षीय पोती के साथ गमी में शामिल होने के लिए माता का बिलवरा गांव से जा रहे थे, तभी रेल की पटरी से पहले एक बड़ा गड्ढा आ गया, जिसमें बाइक चली गई, बाइक का संतुलन बिगड़ गया, इसके कारण पीछे बैठी महिला नीचे गिर पड़ी और महिला के सर में टांके आए हैं। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज जाटव है। नीरज जी, क्या एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? क्या कि हम निकल के घर से कहा ना, गर्मी में जा रहे थे हमारे परिवार में, कहाँ पे गाड़ी में, माता के बीच बड़े गांव में, तो क्या कि रास्ते में अपन जैसे रेलवे स्टेशन से निकल रहे थे, उससे पहले ही क्या नाम है जो रोड है, तो बीच में एकदम से बहुत गड्ढा आ गया वगैरह, उसके कारण से क्या कि हमारी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और हमारी माता जी पीछे बैठी थी, वो गिर गई। चोट कितनी आई है माता जी की? चोट ज़्यादा आई है, उनके सिर में टांगे भी आए। तो हादसे का पूरा कारण क्या रहा था? हादसे का पूरा कारण वो गड्ढे की वजह से, अगर वो गड्ढा उस समय नहीं होता तो नाम है हमारे लिए आज कुछ भी नहीं होता, और हम जा रहे थे, वहाँ चले घर पहुँच जाते हैं।